जरा ये भी बता दो कि तुम अकेले शहजादी को ढूंढोगे कैसे? अकेले कहां पूछा, अभी तो आपने काम पे लगाया है मामूली गली के कीड़ों को। हम उनके पास जाएंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और उनसे कहेंगे कि हम साथ में मिलके परवाज की पहरेदारी करते हैं, पर दरअसल हम कर रहे होंगे खोज भी। शहजादी मरियम की। शहजादी की खोज तो हम करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन 1000 दिनारी और पहरेदारी की 70 दिनारी सब हमारी होगी। आप बट्टे, तू आ। वैसे शहजादी को आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि उनके हाथ पर एक शाही निशान है। निशानी? जाओ खुर्रम, परवाज का कोई घर कोई कोना छोड़ना मत। इस बार शहजादी हाथ से जाने ना पाए। एक नया मकसद मिला है, और वो मकसद है शहजादी मरियम को किसी भी कीमत पर ढूंढना। चारों तरफ सिपाही हमारी तलाश कर रहे हैं, कब तक बचेंगे इनसे हम? हमें जल्दी ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। गलती हो गई रहबर, बस एक मौका और दीजिए। अगली बार शहजादी हाथ से नहीं जाएगी। हाथ से नहीं, जान से जाएगी तेरी पूरी नस्ल, अगर ये गलती दोबारा हुई तो। याद रखना, आप सिपे सलाह सद्दाम, मुझे बचा लीजिए। छोड़ो हमें, मुझे बचा लीजिए। हमने कहा छोड़ो हमें, हम किसी अद्दाम बदाम को नहीं जानते। दबाओ। सुल्तान हैं हम, रुतबा है हमारा, आइंदा से ऐसे गुलाम खाने में लाने की जरूरत भी मत करना। और याद रहे जो हमने तुमसे कहा है। लो, हो गए तैयार हमारे परवास के पहरेदार। एकदम काबुल के सुल्तान लग रहे हो आप इस कमीज में बाबा, क्या कमाल कमीज है। अपनी उर्दू जबान थोड़ी साफ करो नफी। कमाल कमीज, सुनने में पढ़ा लिखा नहीं लगता। कहना है तो कहो, क्या नफीस कमीज है? कौन सी कमीज है? नफीस कमीज है, और तू अव्वल दर्जे का खबीज है। वैसे बाबा, आप में परो मुसा वाला लिबास बहुत अच्छा लग रहा था। बेटा गुरदेश, बाबा की पोल खुले की दोस्ती में गद्दारी? कभी नहीं, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। आप भेद बदलते जाओ, मैं राज छुपाती रहूंगी। ये बात तुम्हारी मेरे दिल को छू गई। चलो बच्चों,
बाबा जा रहे हैं पहरेदारी के काम पे, क्योंकि काबुल की जिम्मेदारी है तुम्हारे बाबा की। मजबूत कंधों पर है। बम दमा दम बम बम, हम हैं शोले हम मैदान, बम दमा दम बम बम, साथ रहेंगे हर दम हम। दादी शबे खैर, मैं पहले पता है मुझे क्यों और किधर बढ़ रहे हैं कदम तेरे। क्यों और किधर? अपने मुकद्दर से मिलने, अपनी मंजिल की तरफ। दादी आपकी बात दिल को छू गई पर दिमाग को नहीं, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन मैं जरूर समझूंगा। फिलहाल आपका बाबा जा रहा है परवास की पहरेदारी के लिए। अल्लाह हाफिज। परवास की ही नहीं, सारे काबुल की पहरेदारी करेगा तू अली। तू लिखेगा दास्ताने काबुल। भाईजान देख के चल, नजर नहीं आ रहा है तुझे? आसिम जा रहे हैं यहां से। माफ कीजिए भाईजान, ये गुस्ताखी, ये टकराना, ये तो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन नाक कटाना माफ नहीं कर सकता। ये क्या है, पहचानता है ना इसे? आपकी नाक? ये कासिम की शान है, कासिम की इज्जत है ये। और अगर तूने पहरेदारी का काम ठीक से नहीं किया और ये जरा सी भी कटी तो मैं तुझे काट दूंगा, समझा? अपने ईमान और अपनी जान में से किसी एक को अगर चुनना पड़े तो अपनी जान को चुनना। नहीं, अपने ईमान को चुनना। जान अगर तेरी कुर्बान भी हो जाए तो हो जाए। अल्लाह रहम करे, जान क्यों कुर्बान होगी इसकी भला? ऐसी बातें नहीं करते अजीज, जान जाए दुश्मनों की, बाबा की नहीं। भाभी आपकी बात तो दिल को छू गई, शुक्रिया आपका। अरे शुक्रिया कैसा अली, खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो घर के काम कौन करेगा? पैसे कौन कमा कर लाएगा? तुम्हारे बच्चों की खिचखिच कौन सुनेगा? इसलिए अपना ख्याल रखना अली, तू हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सुन, जिया अब्दली से दिनारी मत मांगना। मतलब? मेरी बात हो गई है उससे, वो दिनारी सीधा मुझे ला कर देगा। क्या मतलब, क्यों भाईजान? दिनारी आनी तो घर में ही है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है कोई भी लेकर आए। वैसे भी तुम दिनारी लाते तो लेनी तो इन्होंने ही थी ना। भाईजान बात ये कि अगर सारी दिनारी आप रख लेंगे तो फिर मूसा दिनारी कहां से देगा? हाँ? कुछ बोला तूने? घूसा खुसरो मुझसे घूसा खाएगा अगर उसने पहरेदारी की दिनारी में शादी रखने की बात करी तो। घूसा चलिए अब जाइए। भाईजान दरअसल बातें बातें कम काम ज्यादा, चलो निकलो भी यहां से। और हाँ, सत्तर दिनारी भी हाथ से गई, मूसा सौ दिनारी कहां से लाएगा? अब तो ये शहजादी की खोज ही मुझे बचा सकती है। बाबा ये क्या, आज बकरे खुद चलकर आ रहे हलाल होने के लिए।
ये तो शाही सड़क वाले लोगों का सोने का वक्त है ना। नहीं, इतनी देर तक जागने में आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए। क्या है कि शाही सड़क वाले बड़े नाजुक होते हैं, बहुत नाजुक। जानते हैं हम आपको तानेबाजी करने की बहुत आदत है, लेकिन हम यहाँ कोई मसला खड़ा करने नहीं आए, बल्कि पहरेदारी के इस नेक काम में हम आपका साथ देना चाहते हैं। परवाज पर गिरने वाली हर मुसीबत सिर्फ आपकी नहीं है, हमारी भी है, इसलिए हम सब आपके साथ हैं। झूठा मक्कार जोरावर। अभी तो आपने काम पे लगाया मामूली गली के कीड़ों को। हम उनके पास जाएंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और उनसे कहेंगे कि हम साथ में मिलकर परवाज की पहरेदारी करते हैं, पर दरअसल हम कर रहे होंगे खोज भी। ये बात दिल को छू गई। ठीक है जोरावर मियां, पहरेदारी में बराबर। बिरादर, बिरादर, आपको पता भी नहीं अली बाबा कि आप इस पहरेदारी की आड़ में मुझे शहजादी की और करीब ला रहे हैं। मुझे तेरे मंसूबे पता है जोरावर, पर देखना, शहजादी तो मुझे ही मिलेगी। वैसे रात की पूरी तैयारी के साथ तो आए ना आप लोग? अगर आपको ये हथियार कम लग रहे हैं तो और मंगवा लेते हैं। बड़े भोले होते हैं शाही लोग, बड़े लोग। तुम तो लाओ ना भाई। हाँ हाँ, ये अच्छे से लगाना। क्या लगा रहे हो ये? अच्छा हाँ, शाही लोग तो रात को घर से निकलते नहीं होंगे, उन्हें कैसे बताऊंगा? मोहतरम, ये रातों की मुश्किलें खंजर से नहीं लड़ी जाती। रात को निकलते हैं ये बड़े बड़े जहरीले कीड़े। अब जरा सोचिए, जब वो वलवले कीड़े मकौड़े तुम्हारे कानों के पास आके बोलेंगे जी जी जी, क्या कहेंगे? और जब वो यहां तुम्हारी गर्दन के पास जहरीला टंक मारेंगे तब क्या करोगे? खंजर से मारोगे उनको? नहीं ना, नहीं ना, इसीलिए हम लोग मलहम लगा रहे हैं। मलहम दो यार। तो हम भी पहरेदारी करने आए, हमें भी मरहम दीजिए। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे बेटा सरावर। आज मामूली गली वालों की शाही खिदमत का मसा चखने को मिलेगा तुम्हें। हाँ बिल्कुल, हमने कब मना किया? लगाइए। रात की मुश्किलें, हाय हाय शाही मामूली, हाय भाई। अब आएगा मजा जब ये लोग कीड़े भगाने की बजाय कीड़े बुलाने वाला मलम लगाएंगे। तेरी सारी कोशिशें नाकाम होंगी जरावर, अभी तो पहरेदारी शुरू हुई है। शीशी ने भी कह दिया कि आज तेरी बारी है। जा पोया जा, तुझे तेरी मशक्कत का हासिल मिलेगा। दिलेरी का हासिल है, कोशिशों का अंजाम। हाँ तो ऐसी उर्दू बोलना जो समझ में आए, ताबी की रे। डर के आगे जीत है पोया, जा और दादी को खाना दे के आ। क्या हुआ जोरावर? कीड़े मकौड़े काट रहे हैं, लगता है मलहम कम पड़ गया। और लगाओ और लगाओ और लगाओ और लगाओ और लगाओ, लाओ इधर दो, दो दो दो, भर के लगाओ, अच्छे से लगाओ। जाओ जाओ सब लोग लगाइए,
ओके बॉस, तुमने हमें गलत गलत दिया। गलत नहीं नहीं, ऐसे कैसे, कुछ भी। चलिए ब्रादर, यहाँ से काट काट के पैसे भी जख्मी कर दिया, अब हमें हवा में कूदना पड़ेगा। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ मच्छर। पहरेदारी करेंगे। खेल लिया और शायद सड़क के लड़कों के साथ, तो कुछ काम की बात कर लिया। तुम रात भर जागना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारे लिए कावल है। ये बात दिल छू गई। वैसे तुम्हें जानती हो, जो कावा पीते हैं वही खुल के जीते हैं। जीते ही नहीं, जीतते भी नहीं, इसलिए तो मैं आई तुम्हें याद दिलाने कि तुम्हें उन 40 चोरों से जीतना। अम्मी को वो हार चाहिए और ये मनहूस रजिया बेबी उस हार का 100 दिनारी मांग रही। 100 दिनारी का मैं करता हूँ इंतजाम। तुम सही कहा दिल पर, मेरी प्यारी फातिमा, तुम्हें घर जाना चाहिए, देरी हो रही है। और सार की फिक्र तुम मत करना, तुम्हारा अली वो तुम्हें वापस ला कर देगा। मुझे एतमाद है तुम पर अली, चलती हूँ। खुदा हाफिज। वाह बाबा वाह, अगर ये कह देती कि आसमान से जाके उड़न खटोला ले आओ तो वो भी ले आते ना। उड़न खटोला क्या चीज है, अगर आज ही मुझसे चांद भी मांगती ना मैं वो भी ला देता, बस खाली पूछना पड़ता कि कौन सा वाला। अच्छा सुनो, ये फातिमा हम सबके लिए कावा लाई है। अरे वाह। दरीबा जरीफा, तुम दोनों इसी दरवाजे पे पहरा दोगे। इस निशान को गौर से देखो, हम जिसे ढूंढ रहे हैं उनके हाथ पे यही निशान है, तो खबरदार रहे, नजरें चूकनी नहीं चाहिए। खुसरो, तू और मैं परवाज का चप्पा चप्पा ढूंढेंगे। शहजादी अगर परवाज में है तो हमारी नजरों से नहीं बच सकती। मामली गली। कौन हो तुम और यहां अंदर कैसे आए? इस नायाब को देखा है कहीं? ये नायाब है हमारे पास। हाँ, एक लड़की बेचने आई थी मुझे। लड़के कहाँ है लड़के? वो तो भाग गई। सच बता इंसान। मुझे नहीं पता। तालिस्मान भी उसी के पास है। लड़की को ढूंढो इफ्रित, किसी भी कीमत पर, चाहे पूरे परवास को कब्रिस्तान क्यों ना बनाना पड़े। तालिस्मान मुझे चाहिए।